और सुरेंद्र आपको सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो 64 बीपीएससी में 91 रैंक लेकर के अब लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार में सेक्शन ऑफिसर के रूप में पोस्टेड होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कौशलेंद्र, मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा ताकि ऑडियंस समझें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं गया जिला के गुरुआ ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से शुरू हुई, फिर मैं थोड़े दिन रिलेटिव यहाँ पे रहा, उसके बाद क्लास 6 ऑनवर्ड सर मैं गया टाउन में, अपना खुद अकेले स्टार्ट की जर्नी। सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ से 10th पास किया। 10th पास करने के बाद पूर्व पुलिस महानिदेशक बिहार श्री अभ्यानंद सर के मार्गदर्शन में संचालित मगध सुपर 30 में मैंने दाखिला लिया, चयनित हुआ बेसिकली, और वहाँ पे मैंने तैयारी की आगे के एग्जाम की और साथ साथ 12th क्लास भी किया। उसे कंप्लीट होने के बाद मैंने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में बीएससीएमएस की डिग्री प्राप्त की केमिकल साइंस से, और उस बीएससीएमएस डिग्री प्राप्त करने के बाद मेरा मन सिविल सर्विस की तरफ मुड़ा और मैं उसके बाद तैयारी में लगा। इस सक्सेस के पहले मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में ही सहायक के तौर पर कार्यरत। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली में असिस्टेंट पोजीशन पे हैं और वहीं आप सेक्शन ऑफिसर के रूप में भी जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी भी जर्नी जारी है, इसका मतलब है कि आप जो है ग्रामीण परिवेश के हैं और आपके पेरेंट्स भी अभी तक गांव में हैं, कहाँ है अभी? हाँ सर, अभी वहीं गांव पे रहते हैं। फादर क्या करते थे और अभी अभी जॉब में हैं, रिटायर हो गए, क्या कर रहे हैं? सर, फादर रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्लर्क थे और तत्काल वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और गांव पे रहते हैं। गांव में, और मदर जो है हाउस वाइफ होंगी घर के अंदर? यस सर, हाउस। यस। आपके ब्रदर सिस्टर भी हैं? हाँ सर, मेरी तीन बहनें हैं, तीनों बहनों की शादी हो चुकी है और तीनों के तीनों वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में नर्स में जॉब करते हैं। कौशलेंद्र, आपने कहा कि 6th क्लास से अब गया में आ गए। यस सर। ये तो बहुत कम उम्र होती है, उसमें से अकेले रहे, कोई सपोर्ट था सिस्टम, ये कैसे चलते रहे आप? सर, मुझे याद है कि उस टाइम पे मैं एक रूम रेंट किया था और पापा जी वीकली बेसिस पे आते थे हमारे पास और जो भी खर्च वर्च होता था वो देते थे और हमेशा वो मोटिवेट करते थे, अनकंडीशनल सपोर्ट रहा सर। बट उस वक्त रहने के साथ साथ शहर में जब अचानक बच्चा आता है, सबसे बड़ी समस्या होती है खाना कैसे खाएंगे, केयर कौन करेगा, डर है, तो आपने कैसे मैनेज किया उसको? सर, मोस्टली मैं खुद कुकिंग करता था और एक छोटा सा इंसिडेंट था सर, मैं क्लास 10 तक मैं मार्केट नहीं जाता था सर, इस डर से नहीं जाता था कि मैं रास्ता ना भूल जाऊं वापस आने का रूम का। अच्छा। इसीलिए मेरा एक ही रास्ता था सर, रूम, रूम से स्कूल, स्कूल से रूम, इसके सिवा मैं ज्यादा जाने का कोशिश नहीं करता था क्योंकि मन में डर रहता था कि कोई है नहीं, घूम जाऊंगा कैसे होगा, इसलिए मैं मार्केट नहीं गया था। पहली बार मैं 10th प्री बोर्ड देने के बाद मार्केट गया सर। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसका कारण है कि अब ये डर ही आपको बड़ा फोकस कर दिया स्कूल और घर। लेकिन इसके अलावा आपने कुछ, इसे काफी यंग थे तो उसमें कुछ फ्रेंड्स बनाए होंगे, कुछ खेल कूद में भाग लेते होंगे, ऐसा कुछ नहीं किया उसमें? सर एक्चुअली मैं ग्रामीण परिवेश से आया था, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैं सब सही से बोल नहीं पाता था इंग्लिश और वहाँ पे स्कूल का माहौल थोड़ा डिफरेंट था। हाँ, लेकिन 2-3 क्लास बाद, 8th क्लास के बाद मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने और वो लोगों ने सपोर्ट किया, नो डाउट पढ़ाई में काफी सपोर्ट किया उन लोगों ने। और एक इंसिडेंट और बताऊंगा सर, मगध सुपर 30 का चयन और लोगों के लिए बहुत बड़ा था, मेरे लिए खुशी की बात बस ये थी कि मुझे खाना बनाने से छुटकारा अब मिलेगा। तो 10th के बाद में मगध सुपर 30 के चयन की बात कर रहे हैं सर, जब मैं 10th के बाद मगध सुपर 30 में चयनित हुआ, ओके, वहाँ पे लोगों को खुशी थी कि मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करूंगा, अभियान से पढ़ाएंगे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि मुझे खाना बनाना से छुटकारा मिलेगा। आपको हॉस्टल मिल गया वहाँ मतलब रहने के लिए? यस सर, वहाँ पे लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ मिल गया, पढ़ाई का सुविधा मिल गया, तो मुझे खाना बनाने से छुटकारा मिल गया, सारे कामों से छुटकारा मिल गया, मेरा बस काम पढ़ना रह गया। बहुत बढ़िया, मतलब आप ये बड़ा सराहनीय है कि गाँव से आप आए और आपने उसको बड़ा फोकस रहे। नेचुरली बहुत सारे कंपनी हमने, बहुत स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरिंग होगा कि जो सोचते हैं कि हम गांव से आके क्या कर सकते हैं, तो आपने वो मिसाल जो है स्थापित किया, बहुत ही बढ़िया। तो आप उसके बाद आपने पढ़ाई किया, कॉलेज में आए तो क्या सब्जेक्ट में पढ़ाई की और कहाँ से पढ़ाई की आपने? सर, जब मैं इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा था वो वही मगध सुपर 30 में, तो मुझे एक सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ गया, केमिस्ट्री की तरफ,
इवन बार बार मैं थोड़ा डांट भी खाया करता था कि क्योंकि मैं फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ता था। तो उसी उसी के बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, तो वहां पे फर्स्ट ईयर में तो 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी इंक्लूडिंग बायो और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन ऑलरेडी केमिस्ट्री की तरफ था, तो मैंने आगे केमिस्ट्री को परस्यू किया मेजर के तौर पे। और बैचलर ऑफ साइंसेस एंड मास्टर ऑफ साइंसेस BS MS डिग्री होती है वहां से दी जाती है, और उसको मैंने प्राप्त किया इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का कोर्स। तो आप इसका मतलब है कि आपने इंजीनियरिंग के भी प्रयास किया, उसमें नहीं हो पाया। यस सर। लेकिन आपके ये जो रुझान है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, ये कब और कैसे कहाँ से आया आपका? सर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरा ये रुझान बचपन से था, क्योंकि सर मुझे याद है मैं बचपन में जब गांव में क्रिकेट देखा करता था या कोई मूवी देखा करता था, तो मैं हीरो क्रिकेटर को आइडियलाइज करता था, चाहता था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, हीरो बन जाऊँ। लेकिन जैसे जैसे सर समय बीतता गया मेरा परसेप्शन चेंज होता गया। स्कूल के टाइम में जब आया तो एक दो इतने अच्छे टीचर मिले, मैं उनको आइडियलाइज किया, मेरा मन करता था कि नहीं यार जीवन में टीचर सबसे बेस्ट जॉब है, टीचर बनना है मुझे। उसी तरीके से जब सर कॉलेज में गया तो सर मुझे PhD करने की अपॉर्चुनिटी भी मिली बाहर में, मैं दो PhD पोजीशन भी प्राप्त किया था। लेकिन वही एक होता है सर कि आपको बैलेंस करना होता है फैमिली के बीच, फैमिली डिसीजन के बीच, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच और अपने ड्रीम्स के बीच। तो चूंकि मैं अकेला बेटा हूँ माँ पापा का और उनको देख रेख करना हमारा दायित्व है, तो ऑब्वियसली उनके डिसीजन हमारे लिए हमेशा ऊपर रहा है सर, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं हो सकता है अपने सपने को पूरा ना भी कर पाऊँ, लेकिन माँ पापा का जो भी डिसीजन होता है मैं सर आंखों पे रखता हूँ सर। और उन्हीं का डिसीजन था कि आप PhD ना करो, बाहर ना जाओ। और उसके बाद मेरा रुझान इस तरफ, एक कारण और है सर सिविल सर्विस की तरफ रुझान, क्योंकि और भी दूसरे सर्विस में मैं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास नेशनल यूनिटी टेस्ट था, मैं प्रोफेसर बन सकता था, साइंटिस्ट बन सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं मगध उपस्थिति रहने के दरमियान अभियानंद सर थे, क्योंकि वो IPS थे और उस टाइम सर्विस में थे, वो आते थे, उनको देख के उनके नॉलेज को देख के अभियानंद जो IPS ऑफिसर हैं उनके संपर्क। यस सर। तो वो पढ़ाने आते थे तो उनके सिंप्लिसिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, इतने बड़े ऑफिसर, पूरे बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट के कप्तान और इतने सिंपल इंसान, इतने सहज इंसान कैसे हो सकता है कोई, मुझे लगता था कि ये एकदम यूनिक कैरेक्टर है मेरे लाइफ में, और उनको आइडियलाइज करने लगा था। और कहीं ना कहीं वहां से मेरे दिमाग में बैठा था कि ये एक ऑप्शन हमारे जीवन में हमेशा है कि आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं। इसका मतलब है कि सिविल सर्विसेज में एक इंस्पिरेशन के रूप में IPS ऑफिसर अभयानंद जी जो है वो आपके बड़े इंस्पायरिंग। यस सर, हमेशा से रहे हैं सर। बहुत अच्छे डायनेमिक ऑफिसर बिहार में रहे भी हैं, मैं भी रियली ही डिजर्व सैल्यूट, बहुत बड़े काम किए। आप ये बताइए कि जो स्टार्टिंग है, जैसे आपने सिविल सर्विसेज का इंस्पिरेशन तो बता दिया, तो नेचुरली क्या आपने अपनी तैयारी में UPSC का, इसका मतलब उसको भी रखा है और BPSC दोनों को रखा है, तो क्या आप UPSC की भी तैयारी में लगे हुए हैं अभी? यस सर, मैं अभी कंटिन्यू UPSC की तैयारी में लगा हुआ हूं और मैं होपफुल हूं कि मे बी इट विल टेक वन अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट मोर, बट आई विल श्योरली। बहुत अच्छा, इसके इरादे को अपना मजबूत रखिए, जरूर होगा, आपने स्टेट अफसर मंजिल लेनी शुरू कर दी है। इसमें ये BPSC की जो तैयारी, जो आपको फ्यूचर एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कहते हैं कि जो एक तो पहले आपने इरादा बना लिया, एक तो स्टूडेंट का लाइफ में जो आपके साथ हुआ बहुत होता है कि कभी स्कूल में कुछ लगता है कि ये बन जाए, फिर आगे बन के इंसान ही बन सोता है कुछ और बन जाए, अलग अलग थॉट्स आते हैं, क्रिकेटर फिल्म स्टार बनना ही तो स्वाभाविक है एज में, और उसमें से बहुत सारे लोग अपना रास्ता चुन के बन भी जाते हैं। लेकिन आपने रास्ता चुना सिविल सर्विसेज का, ठीक है ना, तो जब ये डिसाइड किया आपने तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, क्या पढ़ें, तो उसमें जो आपकी शुरुआती जो कोशिश थी वो क्या थी, कैसे स्टार्ट किया आपने इसको? सर मैं क्योंकि प्योरली साइंस बैकग्राउंड से था, मेरी पूरी पढ़ाई केमिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमी है क्लास 10th के बाद, तो जब मैं इस प्रिपरेशन में आया तो सबसे पहले तो सर जब भी आप मन बना लेते हो कि आप प्रिपेयर करना है तो मैं सर्च करने लगा कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो सबसे पहला जो ऑप्शन मुझे मिला, ऑनलाइन सोर्सेस इतने ज्यादा अवेलेबल हैं कि आपको कहीं भी उसका कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या करना है, वो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिले। तो मैं, मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो लास्ट 2-3 महीने मैं यही कर रहा था कि कौन सा कोचिंग अच्छा है, कौन सा कोचिंग कंपेटिबल है। ये कौन से साल की बात है कॉलेज जब स्टार्ट किया? सर मैं 2017 का बात करता 2017 में, तो आपने सबसे पहले सोशल मीडिया ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसकी स्टडी की। हाँ हाँ,
कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है या कौन सा कोचिंग का मटेरियल बेस्ट है, या फिर यूं कहें कि कौन सा कोचिंग मेरे लिए अफोर्डेबल है, कैसे रह पाएंगे, ये सारा चीज ऑप्शन को देखने लगा। फिर मुझे लगा कि आप दो ही चीज में कर सकता हूँ, या तो मैं इंटीग्रेटेड प्रिपेयर करूँ यूपीएससी का और बाकी स्टेट पीसीएस देता रहूँ, या फिर मैं केवल स्टेट पीसीएस पे फोकस करूँ और उसके बाद मैं यूपीएससी दे। तो मैंने किया कि बेहतर है कि मैं क्यों ना यूपीएससी को ही फोकस करूँ, उसके बाद स्टेट पीसीएस एज ए ऑप्शन में उसमें अपियर होऊंगा। तो मैं जब शुरुआत किया तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन सोर्सेस देखा, तो यूट्यूब पे इतने सारे मेथड्स बताए हुए हैं, टॉपर्स के स्ट्रेटजी हैं, उनके तरीके हैं, वो सब फॉलो किया। और सबसे पहला फिर काम किया कि जो हर लोग करते हैं, मुझे लगता है जो भी इस प्रिपरेशन में आते हैं, जैसे बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री उठाई, एनसीईआरटी जो ओल्ड वाली थी वो हिस्ट्री उठाई, बहुत कम सोर्स मैंने रखा सर, पॉलिटी के लिए क्लास 11 का एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत रखा, इकोनॉमिक्स के लिए सर स्पेसिफिकली यूट्यूब वीडियो और रमेश सिंह सर का किताब, यही दो चीज देखा। इसके बाद इन्वायरमेंट के लिए सर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री रहा है, बायो भी रहा है और मैं अर्थ साइंस भी पढ़ा हूँ, तो इन्वायरमेंट मेरे लिए कभी भी टफ नहीं था सर, तो वो मेरा ऐसा था कि वो प्रिपेयर है, या फिर कोई भी साइंस का पोर्शन है वो प्रिपेयर है। तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चार सब्जेक्ट थे सर जो मेरे लिए नया थे, एकदम नया थे, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो एनसीईआरटी और जो ट्रेडिशनल बुक है, जैसे बिपिन चंद्रा हर लोग ही पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम हर लोग ही पढ़ते हैं, जीसी लियोंग हर लोग ही पढ़ते हैं, तो जो कॉमन सोर्सेस हैं सर, बस उसी को मैं उठाया। लेकिन मैं ये ध्यान रखा कि मैं मल्टीपल सोर्स पे नहीं जाऊंगा, एक चीज को बार बार करूंगा। मुझे याद है आज भी सर, एनसीईआरटी की मेरी बुक है पुरानी, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की, उसको मैं 6 बार पढ़ाऊँ अभी तक, और मैं एग्जैक्टली लिख के रखा हूँ कि ये आज पहला रीडिंग कम्प्लीट हो गया, ये दूसरा रीडिंग कम्प्लीट हो गया, ऐसा किया हूँ मैं। और आज मुझे अभी भी याद है कि मैं हिस्ट्री का कोई भी पोर्शन हूँ, मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन मॉडर्न इंडिया मेरा पूरा जवान पे है अभी भी। तो इस तरीके से मैंने शुरुआत की सर। और उसके बाद इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा मुझे क्या लगा सर, जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमें रास्ता दिखाता है सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने काफी सॉल्व किया, खासकर जब बीपीएससी का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैं पिछले 10 साल का पेपर कम से कम 3 बार बनाया था इसको प्रीलिम्स करने, क्योंकि क्योंकि मेरा ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स 1 नंबर से नहीं हो पाया था, तो मुझे और ज्यादा डर था, तो मैं 3 बार उसको बनाया था। और मुझे इतना पता था कि एक बार मैं प्रीलिम्स हो जाऊंगा, तो मुझे इतना नॉलेज गैदर कर लिया हूँ कि एटलीस्ट लिस्ट में नाम तो आ ही जाएगा। और फॉर्चुनेटली सर, मैं आपके साथ बैठा हूँ। नहीं, आपकी देखो, सबसे पहले जो ऑडियंस, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स आपको वॉच कर रहे हैं, उनको हम ध्यान दिला दें कि आपने चीजों को बहुत सीरियसली लिया। हम भी सजेस्ट करते रहते हैं कि भाई एनसीईआरटी बुक है, वो आपका फंडामेंटल है, लेकिन आपको 2-3 बार उसको पढ़िए, हर बार पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ चीजें और गहराई से मिलेगी। तो आपने हर चीज को अपने क्लियर किया, लेकिन ये एक फेज होता है कौशल जिसमें कि कंफ्यूजन होता है, ये पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे करें, और नॉर्मली लोग सिलेबस के आसपास ना रह करके बिखरने लग जाते हैं। तो आपको भी थोड़ा समय लगा होगा समेटने में, ठीक है? तो उसको आपने कैसे रियलाइज किया कि बहुत सारा यदि बिखराव हो गया तो मैं भटक जाऊंगा, तो मुझे कुछ फोकस होना चाहिए, ये रियलाइजेशन कैसे आया? सर, जब मैं प्रीवियस ईयर का काफी क्वेश्चन देख रहा था, तो मुझे एक चीज अपने आप दिमाग में आया ऐसा कि कोई भी एग्जाम का ना सर, 2 टाइप का सिलेबस होता है, एक कोर सिलेबस है, एक फ्रिंज सिलेबस है। तो वो जो कोर वाला सिलेबस है सर, वो कहीं ना कहीं हमेशा स्टैटिक रह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी की बात करें, तो हिस्ट्री हमेशा स्टैटिक पार्ट है, वो बहुत छोटा सा सिलेबस है उसका। और उस कोर अक्सर क्या होता है शुरुआत में सर, कि मैं हम लोग कोर सिलेबस को नहीं देख पाते हैं, और जो फ्रिंज क्वेश्चन है, जो मार्केट में जिसका नाम बड़ा हुआ है कि अरे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये कैसे होगा, तो ऐसा क्वेश्चन सर बहुत कम होते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसा होते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो तो नॉर्मल कोर सिलेबस से आते हैं। तो मेरा बाद ये 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद सर, मैं लास्ट में एक ही चीज पर स्टिक किया कि पहले कोर सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फ्रिंज मेरे से हो ना हो वो बात की बात है, जितना मुझे कोर सिलेबस पूरा करना है, एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री की बुक, ये कोर है, मैं करूंगा ही करूंगा, जीसी लियोंग मैं करूंगा ही, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी करना ही करना है। तो ये सब ऐसा ऐसा कि जो आपका 75% मुझे लगता है प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका होता है अगर आप कोर सिलेबस कर लेते हैं तो। और फ्रिंज का जो 25% है वो कभी भी सर्टेन नहीं है, वो हमेशा अनसर्टेन है। तो वो जितना ज्यादा कवर हो पाया वो ठीक है, वो हमारे हाथ में ऐसे भी नहीं है। तो ये मेरा तरीका था सर कि पहले कोर को कंप्लीट करें,
उसके बाद फ्रिंज के टॉपिक को देखें। बहुत साइंटिफिक ढंग से यही ऑडियंस को, फ्यूचर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जानना चाहिए आपसे कि नॉर्मली आप सिलेबस के आगे इधर उधर ना भटके, अपने सिलेबस को जिसको आप कोर्स कह रहे हैं, सिलेबस कह रहे हैं, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। उसके लिए कुछ फंडामेंटल बेसिक बुक्स लेना जरूरी है। 25% चीजें कुछ कॉमन सेंस बेस्ड होती हैं, जब आप पढ़ाई कर लेते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा। और आपने क्वेश्चंस पे ध्यान दिए, तीसरे जो फंडामेंटल चीज जो दो इम्पोर्टेंट निकल के आ रही है कि आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली हो सके तो अपने हैंडराइटिंग में लिख करके सामने रखिए, और पिछले साल के कम से कम 4 साल 5 साल के एग्जाम के क्वेश्चन रखिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो, भटक ना रही है, कुछ से कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं आया, यहाँ आप आए हैं तो आपको एक फोकस प्रिपरेशन है जो कमीशन चाहता है उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी अपने आप की कैसे कर रहे हैं। वेरी गुड। जो बात एक जो है प्रिपरेशन के दौरान में बहुत बड़ी चीज होती है वो है कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में आपका प्री नहीं हो पाया बीपीएससी में, और सेकेंड अटेम्प्ट में आप प्री मेंस और करके इंटरव्यू करके आज आप एक ऑफिसर बन करके सामने हमारे बैठे हैं। तो एक जो ना हाउ टू कीप मोटिवेटेड स्टूडेंट का बहुत समस्या होती है, और नॉर्मली इंट्रक्शन होता है उसको कहते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहें, मन नहीं लगता, आज पढ़ते हैं कल छूट जाता है, मोटिवेशन नहीं रहता। तो आप सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं वो बनाए रखने के लिए आपने क्या किया जो सजेस्ट करना चाहेंगे लोग? सर इसमें मेरा अपना मानना है, सर हमेशा इनर मोटिवेशन है सर, वो हमेशा काम करता है। जो बाहर से मोटिवेशन मिलते हैं, चाहे वो टीचर से मिले या पेरेंट्स से मिले या रिलेटिव से मिले, वो कुछ देर के लिए आपको मोटिवेटेड रखता है सर, लेकिन आपका इनर मोटिवेशन अगर स्ट्रांग है, करना है तो है, तो वो हमेशा आपको जीवित रखता है अपने प्रिपरेशन। मुझे याद है सर कि जब मैं पहले अटेम्प्ट में 1 नंबर से प्रीलिम्स चुका था तो एकदम मैं ब्लैंक था कि अब क्या होगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे जॉब में भी नहीं था, मेरा कोई सेकंड प्लान नहीं था उस टाइम से। 1 नंबर से प्रीलिम्स छूटा था आपका पहला अटेम्प्ट, 1 नंबर से छूटा था, राइट? 1 नंबर से प्रीलिम्स छूटा था, तो मैं एकदम ब्लैंक हो गया था। और सर जब आप फेलियर फेस करते हो तो आपके साथ रहने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। वो ऐसे भी फेमस एक कहावत है सर, सक्सेस हैज मेनी फादर, फेलियर हैज नन। तो वही बात थी सर, मैं एकदम ब्लैंक था। तो उस टाइम पे आप कितना अपने को कूल रखते हो, होपलेस नहीं होते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस टाइम अगर आप, मैं होपलेस हो जाता, पढ़ा मैं प्रिपरेशन से मन मेरा हट जाता, तो शायद मैं इसको उतना जोश से दूसरा अटेम्प्ट नहीं दे पाता, और दूसरा अटेम्प्ट नहीं दे पाता तो पूरा कहानी ही सर अलग होता। दूसरी बात, इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने में मदद ये करता है सर कि हमारे पास कोई ना कोई प्लान बी हो। पता नहीं लोगों, कुछ लोग कहते हैं प्लान बी होना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सर प्लान बी होना एक हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपके अंदर पीस वो पैदा करता है, आपके दिमाग में पीस रखता है कि ठीक है मैं 100% अपना दे रहा हूँ, अगर नहीं भी हो पाया तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं रोड पे हूँ, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा। तो प्लान बी होना सर मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ दो प्लान बी था सर। अपने लिए प्लान बी क्या रखा था सर? मैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं भी अगर हुआ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं भी मैं केमिस्ट्री के साथ आराम से लग सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी नॉलेज है, मैं इंटरव्यू उसका क्लियर कर सकता हूँ, एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। तो मेरा प्लान बी था सर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन लेटर ऑन मुझे ऑलरेडी जॉब मिल गया यहाँ पे, तो ऑलरेडी सर मेरा प्लान भी हमारे साथ। अच्छा, कौशलिन इसमें कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि बहुत लोगों का ये फीलिंग आ जाती है कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जॉब में टाइम ज्यादा लग जाता है, ऑलरेडी पोस्टेड हैं बिहार असेंबली में, है ना, एक क्लरिकल पोस्ट पे हैं, तो नेचुरली आपके पास टाइम का एक कंस्ट्रेंट भी रहता होगा, तो इसी स्थिति में आपने अपने टाइम कैसे मैनेज किया? सर मेरा इस छोटे इस क्वेश्चन के लिए एक चीज बोलना है सर कि टाइम का क्राइसिस अगर जीवन में है, इसका मतलब कि टाइम का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि टाइम का क्राइसिस कभी नहीं हो सकता अगर टाइम अच्छे से मैनेज किया जाए तो। और सबके पास एक ही 24 घंटे हैं सर। एग्जैक्टली सर, तो टाइम का मिसमैनेजमेंट हो सकता है, टाइम का क्राइसिस नहीं हो सकता है सर, ये मुझे मानना है। और मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि हाउस में मैं हूँ, असेंबली में हूँ, और जब हाउस चलती है तो हो सकता है हम लोग को कभी कभी 8 बजे रात 9 बजे रात तक रुकना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा काम है जिसको हम लोग डिले नहीं कर सकते नेक्स्ट डे पे, हाउस का काम काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे याद है सर, मैं अपने लिए हमेशा से 5 घंटे निकालता था, 4 से 5 घंटे मेरा फिक्स था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं, मुझे ये 5 घंटे चाहिए। उसमें मैं फिक्स कर लिया था कि 2 आवर्स ऑफिस के बाद, चाहे वो 6 से 8 हो, 8 से 10 हो, या 10 से 12, ये तीनों स्लॉट में से कोई एक स्लॉट में जरूर मैनेज करता था अकॉर्डिंग टू ऑफिस और कुकिंग करने के बाद जो भी मुझे टाइम मिलता।
और मुझे सर पता नहीं गॉड गिफ्ट हो या जो हो, मुझे मॉर्निंग में उठने की हमेशा से आदत रही है, कुछ भी हो जाए मुझे मॉर्निंग में नींद खुलती है, और वो मेरे लिए पॉजिटिव रहा है क्योंकि मैं हमेशा ही मॉर्निंग में 2 to 3 hours पढ़ाई किया, हमेशा ही, मैं आज भी 5 बजे उठता हूँ और न्यूज़पेपर पे ही देता हूँ टाइम से, तो ये 2 times में मैनेज किया और इसको विदाउट फेल मैनेज किया सर, कोशिश किया कि एक भी दिन ऐसा ना हो कि ये गैप हो जाए, और उसी का सर परिणाम है शायद कि आज आपके साथ बैठे हैं सर। आपके पास एक डिसिप्लिन जो आपने जो मेंटेन किया अपने लाइफ में बहुत मैटर है, वो आपका ट्रेनिंग वो बचपन से ही हो गया और वो बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज ये जो टाइम तो सबके पास एक ही होता है, बस स्टूडेंट्स को कई बार एक्सक्यूज की आदत लगी होती है, टाइम नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है अपने सोने का टाइम, उठने का टाइम, काम करने का टाइम, कितने घंटे पढ़ने हैं उसका टाइम, ये सब आपने डिफाइन करा है। तो आपने एवरेज जो टाइम पढ़ाई पे कितना लगा पाते थे इस अटेम्प्ट में? सर 4 to 5 hours। बहुत स्टूडेंट के अंदर गलत धारणा हो जाती है कि 15 घंटे पढ़े हैं तो ऑफिसर बनेंगे, सिलेक्शन होगा। मैं यही ध्यान दिलाना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को आपके बिहाफ पे, 6 घंटे तो बहुत बड़ा काम हो गया यदि आप लगातार मेंटेन कर रहे हैं, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। ये नहीं कि आज वो जरूरी है 10 घंटे पढ़ाई की, 12 घंटे अगले दिन, 10 दिन 10 घंटे हम सो रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कल पढ़ाई किए थे इसलिए आज सो रहे हैं, ऐसे नहीं। सोने का टाइम अपना डिफाइन रखिए, पढ़ने का भी रखिए, काम है, आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपका सोशल इंटरेक्शन भी होगा, लेकिन यदि एट द बैक ऑफ माइंड आपको क्लियर है कि मुझे इतने घंटे रोज देने हैं तो देने हैं, तो वो फोकस्ड होकर के देना चाहिए, राइट। हम तो बेसिक स्ट्रेटजी की बात करते हैं प्रिपरेशन का। वैसे तो सिविल सर्विसेज चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन वो इज द बेस्ट प्रिपरेशन। आपने भी वही किया कि शुरुआत से एक डेवलप आपने कॉन्सेप्ट की किया, बट फिर भी कुछ एग्जामिनेशन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि प्री के रिक्वायरमेंट है, मेंस का ये है, तो आप प्री के कुछ बेसिक टिप्स जरा दीजिए, जो चूंकि एक बार आपका मिस भी कर गया, चाहे एक नंबर से मिस किया, पूरे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के दौरान में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि प्री में जो है किसी क्वालिटी को दिक्कत ना आए। सर प्रीलिम्स के बारे में ये कहना है कि ये तो पहले क्लियर है कि ये अनसर्टेन होता है सर, इसमें मैं हमेशा से ये मेरा मानना रहा है, अभी तक भी मैं इस पे अधिक हूँ कि ये अनसर्टेन है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी सबों के लिए है सर, ये मेरे लिए स्पेसिफिक तो है नहीं। तो उसमें स्पेसिफिक बीपीएससी के लिए मैं बात करूँ सर, तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने से ये पता चलता है कि बीपीएससी में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, हिस्ट्री करंट अफेयर इसका वेटेज काफी ज्यादा है, तो हम लोग जब भी इसका प्रिपरेशन करें तो सबसे प्राइम फोकस हम लोग को करंट अफेयर और हिस्ट्री पे होना ही चाहिए, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो मुझे साइंस को अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमेशा से ही 90% क्वेश्चन मेरा साइंस का सही हुआ है प्रीलिम्स में दोनों ही अटेम्प्ट तो, और हिस्ट्री जितना स्ट्रॉन्ग होता है सर बीपीएससी में उतना ही बेहतर आप कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। उसमें मुझे याद है कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा चुका था 1 नंबर से, तो सबसे कम मार्क्स जो आया था वो हिस्ट्री में था, और वो ब्लंडर था, हिस्ट्री को हम लोग लाइटली कभी नहीं ले सकते। उसमें भी स्पेसिफिक सर कुछ कुछ पोर्शन है जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, या फिर महाजनपद वाला एरिया है एंशियंट का, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं बीपीएससी में, मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है। उसके बाद बीपीएससी का एक और यूनिक चीज है सर कि इसमें 10 marks का मैथ्स होता है, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, अगर नहीं है तो आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, अगर साइंस बैकग्राउंड है तो वो कभी भी आपके लिए हर्डल नहीं है, वो 10 marks ऐसा है कि आप प्योर शॉट उसको करेक्ट करके आओगे, और वो 10 marks हमेशा आपको क्राउड से अलग करने में हेल्प करेगा।
तो अगर बुक्स की बात करें सर एसएससी की क्या किया जाए, तो बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक सर विभास पनोरमा या फिर इम्तियाज अहमद, ये दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करना हिस्ट्री के लिए जरूरी है सर। और उसमें बहुत बार होता है क्या सर कि हम लोग दोनों पढ़ने लगते हैं, वो बिल्कुल नहीं हमने किया, क्योंकि मुझे पता था कि दोनों बुक में 99% चीजें सेम है, तो क्यों ना एक बुक को लोएं और उसमें दूसरे बुक का इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया, इनरिच कर दिया उस बुक को। और उसी तरीके से करंट अफेयर में भी मैं किसी एक मैगजीन को फॉलो किया और दूसरे मैगजीन में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था वो उसी मैगजीन में मैं लिख देता था, ताकि मुझे मुझे रिपीटिशन ना हो मल्टीपल टाइम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम कम है, तो मुझे ऐसा करना है कि एक ही सोर्स रखना है, उसको ज्यादा से ज्यादा इनरिच कर देना है। और उसके बाद मैथ्स और साइंस मेरे लिए कभी हर्डल नहीं रहा सर। पॉलिटी की क्वेश्चन बीपीएससी में बिल्कुल टफ नहीं होती है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो एकदम वो आसान है, उसके उससे बाहर कुछ आता नहीं है। और करेंट अफेयर का सर तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज्यादा कवर कर सकते हैं डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट। अब दो चीज आपसे जो क्यूरियोसिटी स्टूडेंट्स को हो सकती है जानना चाहिए, एक है क्या देखो बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद एक रहता है कि हम भूल जाते हैं, याद कैसे रखे, तो आपने क्या कुछ अपने नोट्स भी बनाए थे या कुछ रिविजन की भी हैबिट रखी थी, आपने कैसे किया था? सर मैं अभी वो बता रहा था कि मैं बुक को इनरिच करता था, एक ही बुक को हाईलाइट करता था और उसी में इंफॉर्मेशन ऐड करता था। तो हिस्ट्री के केस में मेरा एक बहुत सिंपल तरीका था कि मुझे जो दोस्त मिलते थे, भाई मिलता था घर पे या फिर दोस्त मिलता है कोई, तो मैं उसको हिस्ट्री का कहानियां सुना देता था। कभी कभी वो लोग बोर भी हो जाते थे, फिर भी मैं सुनाता था क्योंकि मुझे याद रखना है, मुझे वो फायदा करेगा। या फिर पॉलिटी का इंफॉर्मेशन हो तो मैं ऐसे ही कहानी करता था कि तुझे पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है, कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बोलता था नहीं आता है, तो मैं बोलता था बैठो मैं बताता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैं रिपीट करता था चीजों के सर। या फिर करंट का कोई टॉपिक है वो जो मैं उसको बताता था कि पता है क्या है वहां पे लक्षद्वीप में ऐसा हो गया, अब उसके चलते वो कहानी के चलते मुझे बातें याद रह जाती थी। तो अक्सर मैं दोस्तों के साथ या घर पे गया तो भाई के साथ मैं ये चीज हमेशा डिस्कस करते रहता था। आपके बिहार पे यही तरीका आपके बिहार पे आपके ऑडियंस को बता दें जो आप कहना चाह रहे हैं ये टेक्निक है कि कहते हैं कि जो लर्निंग है ना उसमें टीचिंग भी शामिल है, जितना आप जानते हैं यदि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी को समझा सकते हैं ये हैबिट भी हो तो लोगों को तो एक इंटरेस्ट में मजा भी आता है, तो आपके सर्कल में जो भी ओपन माइंडेड जो लर्निंग की उनको थोड़ा कुछ चुन लें और शेयर करते रहें तो आपकी जो मेमोरी और मजबूती आती जाएगी और आप उसको और उसको मजबूत करते जाएंगे अपने अंडरस्टैंडिंग। You have done very good thing, learning with some teaching. ये साथ साथ आप होगा, right? ये बहुत interesting बात है। अब ये एक जो examination skills के अंदर छोटे छोटे आपने notes वगैरह भी बनाए ही होंगे अपनी तैयारी करने के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो examination hall के अंदर किन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो जरा आप वो भी शेयर करिए। सर मैं अपना strategy अगर बताऊँ तो BPSC prelims के लिए specific था कि मुझे पता है कि मेरे से मैथ सारा सॉल्व हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं उसी को अटेम्प्ट किया मैथ्स को, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था। और जैसे ही आप मैं मैथ्स को पूरा सॉल्व कर लिया और 10 का 10 मेरा सही है तो वो अलग टाइप का कॉन्फिडेंस माइंड में दे दिया कि अब तो मैथ्स पूरा सही है, 10 नंबर तो सिक्योर्ड है, ऐसा हो जाता था। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट मैं साइंस पे लेता था क्योंकि दूसरा मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्सन साइंस था। और बीपीएससी की अच्छी बात यह है कि वो प्रिंस का क्वेश्चन सेट बाई सेट रहता है, साइंस एक जगह पे है, मैथ्स एक जगह पे है, हिस्ट्री एक जगह पे है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो उसको मैं सॉल्व करते हुए पहले मैथ फिर साइंस तब मैं हिस्ट्री पे जाता था फिर उसके बाद करेंट अफेयर पे जाता था। तो जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका है सर मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और उसके बाद अगर मैं शुरू में ही 10 क्वेश्चन अगर नहीं बना पाया तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी सेटल कर जाएगा और हो सकता है मैं आगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन में भी मिस्टेक करने लगूँ। तो उसको अवॉइड करने के लिए शुरू का सही होना, शुरू में माइंडसेट सही होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग यहाँ चीज निकल कर आया आपसे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर आप कितनी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं उसके लिए आप रिवीजन करते रहिए, लोगों को शेयर करिए। और साथ के साथ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप 100% सॉल्व करने के चक्कर में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि आप उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए जिसको जानते हैं और फिर एड ऑन करिए धीरे धीरे जो कॉमन सेंस बेस्ड है। मुझे
ये मेरा बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया चाणक्य आईएएस अकेडमी में एंड वहाँ से फिर मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। फिर मैंने 2018 में प्रीलिम्स लिया 64 का। फिर 2019 में मैंने मेंस क्लियर किया। कृष्णा सर ने उन्होंने अपने इंडक्शन क्लास में काफ़ी हम लोगों को पॉजिटिव अप्रोच दिया एंड देन ही इवन टोल्ड कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो देन वी कैन कम टू कृष्णा सर एंड वी कैन टॉक टू हिम। एंड देन और जितने भी स्टूडेंट्स अभी चाणक्य आईएएस अकेडमी में आई विल लाइक टू मेंशन देम कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एटमोसफेयर यहाँ पे मिलेगा एंड जितने भी टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे। मेंस की तैयारी में किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कौशल सर? बीपीएससी मेंस का तैयारी सर मुझे लगता है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा प्रीलिम्स में ही है। मेंस में अलग अलग पोर्शन वाइज डिवाइड कर लेना होता है। जैसे मेरा ऑप्शनल हमेशा से रेडी था तो जिनका ऑप्शनल अगर रेडी नहीं है तो ऑप्शनल जितना स्ट्रांग होगा सर मेंस बीपीएससी के मेंस में उतना ही ज्यादा मदद करेगा। मुझे अभी भी याद है सर कल ही परसों मार्क्स आया है मुझे 300 में 198 मार्क्स मिला है ऑप्शनल में तो और जो कि मैं ऑलरेडी 25 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ के आया था टाइम के कारण नहीं लिख पाया था कुछ भी। तो इसका मतलब है कि सर क्वालिटी ऑफ आंसर भी उतना ही मैटर किया है इस एग्जाम में। ये राइटिंग के बारे में आंसर कर रहे हैं बात आप तो जरा राइटिंग स्किल के बारे में बताइए स्पेशली फॉर बीपीएससी कि कैसे आंसर लिखना चाहिए और क्या फिर जो भी ध्यान सर बीपीएससी के आंसर जनरली लॉन्ग आंसर्स होते हैं सर। एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है 3-4-5 pages, 6 pages आपको लिखना होता है और इसमें कभी भी छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन को लेके टेंस होना नहीं है। अगर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को अगर टेंस लेंगे तो ब्रॉड पिक्चर हमारे पास नहीं होगा। और जैसे जैसे अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है बीपीएससी के क्वेश्चन आप पूछने का, पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता था कि राइट द कंसिक्वेंस एंड काउजेज ऑफ 1857, बट अब ऐसा नहीं है सर। अब थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है सर। तो इस केस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत बहुत ज्यादा महत्व हो गया सर क्योंकि अब सिंपली मगअप करके हम लोग वहां जाके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब हमें समझना पड़ेगा और उसके बाद ऑब्वियसली सिलेबस वही है सर जो सिलेबस पहले था अभी भी सिलेबस वही है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है तो हमें लिखने का स्टाइल भी बदलना पड़ेगा। जैसे इसी बार का क्वेश्चन एक आया था सर कि क्रिटिकली एनालाइज नलिजम इन इंडिया, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी कभी नहीं पूछा करता है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली यूपीएससी में आता है लेकिन यहाँ पे पूछा गया था और ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था और 38 मार्क्स का क्वेश्चन 7-8 पेज लिखना है। अगर क्वेश्चन अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो वो कैसे लिख पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो इसमें प्रैक्टिस का बहुत रोल है सर। शुरू में हो सकता है हम लोग 4 ही लाइन लिखें 5 ही लाइन लिखें क्योंकि ऐसे भी बाइक चलाना सीखते हैं तो एक ही दिन में तो एक्सपर्ट होते नहीं है सर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लिखने लगेंगे तो 4 लाइन 5 लाइन लिखेंगे, दूसरों से फीडबैक लेंगे, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे और ये प्रैक्टिस से ही होता है। मेन चीज जो आपकी बात से निकल जा रहा है कि किसी को रटे नहीं चलते क्योंकि क्वेश्चन का नेचर उस प्रकार से है। दूसरी चीज है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा मेच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी और यही मायने रखता है कि आप आंसर को देख करके उसके अनुसार जवाब दें ना कि आपको जो आता है वो जवाब दें। आपने जो पढ़ाई करके रट रखा तो इसलिए क्वेश्चन को उसके अराउंड ही रहना है और उसके अकॉर्डिंग ले जाना है क्योंकि जैसे वर्डिंग चेंज होगी क्वेश्चन का तो मटेरियल सेम हो सकता है, आंसर का टेक्निक बदल जाएगा। एक जो है आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना केमिस्ट्री रखा, नेचुरली आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री था, लेकिन एक ऑप्शनल सिलेक्शन में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि सिलेक्शन में क्या रखना चाहिए? सर खासकर जो अभी ग्रेजुएशन में एडमिट होने वाले हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर उनसे मेरी एक सलाह होगी कि अगर वो लोग सिविल सर्विस की तरफ अपना रुख अपनाना चाहते हैं और वो सब्जेक्ट जो उनका ग्रेजुएशन में है वो सिविल सर्विस में ऑप्शनल के तौर पे है तो इतने अच्छे से अपना ग्रेजुएशन पढ़ें कि उनको ऑप्शनल लेने के लिए अलग से सोचना ना पड़े क्योंकि उससे दो फायदा होगा सर। क्योंकि हम जब भी आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करेंगे हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी मेरा मोस्ट ऑफ पार्ट प्रिपेयर होगा। लेकिन अगर वैसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी अपना ऑप्शनल ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं रखना चाहते हैं उसके लिए सर मुझे लगता है कि जब बीएस का प्रिपरेशन पहले करें, पढ़ने के दरमियान उनको इंटरेस्ट का पता चलेगा किसमें सबसे ज्यादा मन लग रहा है, फिर उस सब्जेक्ट उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का 1-2 चैप्टर किसी भी बुक से जो फेमस बुक है जो यूपीएससी प्रिपरेशन या बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए लोग यूज करते हैं उसको पढ़ के देखें, अगर उसमें इंटरेस्ट लगता है तो उसको ऑप्ट करें। लेकिन एक बात ध्यान में मुझे लगता है रखना चाहिए सर कि जब भी एक बार ऑप्शनल का सिलेक्शन कर लें
तो फिर किसी और की बातों में आके, पीयर ग्रुप की बातों में आके उसको शिफ्ट ना करें, जो एक लें उस पर अड़िग रहें, उसी के साथ तैयारी करें, क्योंकि अगर आप बार बार ऑप्शन चेंज करते हैं तो ये टाइम का वेस्टेज होगा और शायद आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा। बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब चूंकि आपको एक सफर इसके साथ आपको करना है और आपका ओपिनियन भी तब डेवलप होगा जब आप उसके ऊपर में ठीक से समझेंगे। तो ये जरूरी है कि आप पहले इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लें, बैकग्राउंड में है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं है तो कोई नया सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जब ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं यदि आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट का है, बीपीएससी में रखना है, तो अच्छा है कि उसमें ये डिसीजन ले लें। सिविल सर्विसेज इंटरव्यू चाहे बीपीएससी हो या बड़ा एक इंटरेस्टिंग, सबका आकर्षण होता है। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू में एक्सपीरियंस कैसा रहा हुआ? सर मैं जब मेंस का रिजल्ट आया तो मैं यहाँ पे जॉब में था पटना में, और उसके बाद सर इंटरव्यू के लिए दो टाइप का प्रिपरेशन की जरूरत होती है, एक तो आपको नॉलेज की कमी है उसको पूरा करना है, या इंटरव्यू का फोबिया है उसे दूर करना है। यही दो टाइप की समस्या आती है, और बीपीएससी के और मेरे साथ भी ये था, फोबिया तो नहीं था क्योंकि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में भाई भाई ये सब इतना ज्यादा दिया था कि उस टाइप का स्पेसिफिक कोई फोबिया नहीं था, लेकिन हाँ सिविल सर्विस का इंटरव्यू कैसा होता है इसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और इसी दरमियान सर मैंने चाणक्य आईएएस के सर जो रीजनल हेड हैं पटना के कृष्णा सर, उनसे मैं स्पेसिफिक मिलने गया था, और उन्होंने बोला था कि ठीक है आप आए हो, आपको हर टाइप का जो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करूँगा, और मैं वहाँ पे मॉक देना शुरू किया था। मुझे आज भी याद है सर, मॉक जब दे रहा था तो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन शुभेंदु सर बोले थे कि आपका लिस्ट में नाम जरूर होगा। वेरी गुड, इसका मतलब है सर कि जो असेसमेंट करने का तरीका था सर मॉक का, वो कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो बैठ के बता दिया और आज मैं सच में चयनित हूँ। इसका मतलब है कि हर एक फीडबैक जो उन्होंने दे रहे थे वो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करके दे रहे थे। मुझे याद है मैं बहुत कैजुअली चला गया था, मेरा शू पॉलिश नहीं था, इवन उन्होंने वहां तक ध्यान दिया था शुभेंदु सर ने, और उन्हें इंडिकेट किया था कि आप इस चीज को अभी से कंटिन्यू रखो, नहीं तो आप वहां पे मिस करोगे तो ये बहुत ब्लेंडर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं सर। फिर उन्होंने, क्योंकि वो सर साइंस बैकग्राउंड से थे, मुझे केमिस्ट्री से कॉमन सवाल की आवश्यकता था, क्योंकि टफ सवाल मैं हैंडल करने के लिए रेडी था, और इंटरव्यू में कभी भी टफ सवाल तो पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है वहां केमिस्ट्री का कोई एक्सपर्ट न बैठे हों, तो बहुत नॉर्मल सवाल जो आजकल मार्केट में न्यूज़पेपर में या कॉमन यूज में चल रहे हैं उस टाइप का सवाल, तो उन्होंने उस टाइप का सवाल से मुझे अमेज किया। मैं आधा सवाल आंसर नहीं कर पाया फर्स्ट मॉक में, मुझे याद है, और फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे केमिस्ट्री को भी प्रिपेयर करना है मॉक के लिए, और इंटरव्यू के तरीके से प्रिपेयर करना। और बीपीएससी मॉक के लिए सर, बीपीएससी इंटरव्यू के लिए दो तीन चीजें ध्यान देना है, फोबिया नहीं होनी चाहिए, ऑप्शनल पेपर अच्छे से होना चाहिए, और करेंट पेपर कमांड होना चाहिए। ये तीन चीज अगर है तो बीपीएससी इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता सर कोई दिक्कत होगी। क्या ये एकेडमी की बहुत शुरू से लगभग 30 साल से एक पहचान अलग रही है कि मॉक इंटरव्यू का जो टेक्निक है हमने मेरे गाइडेंस में हमेशा डेवलप किया है? मुझे खुशी है कि आप उससे बहुत फायदा हुआ और आप उसके लिए सराहना कर रहे हैं। उसमें से डॉक्टर कृष्णा सिंह जो हैं मेरे ख्याल से वो भी आपके साथ काफी कनेक्टेड रहे हैं, उनसे कैसे क्या लाभ मिला आपको? सर जब फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में मैं मॉक देने गया था तो मैं तो नॉर्मल मॉक दिया, और उसमें कृष्णा सर भी थे और बोर्ड के चेयरमैन भी थे। उसके बाद मैं पर्सनली कृष्णा सर से मिलने गया कि सर मुझे सर्टेन इशू है उसको कैसे हैंडल करें, जैसे केमिस्ट्री में बहुत जनरल चीज मुझे नहीं पता था। जैसे फर्स्ट जब वहाँ पे मॉक में गया था तो उन्होंने पूछा था कि आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री है, आप ए क्यू आई बताओ, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, लेकिन मेरे दिमाग में कभी नहीं रहा कि मैं ए क्यू आई प्रिपेयर करके मॉक के लिए जाऊँ। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज, तो फिर कृष्णा सर मुझे स्पेसिफिक आधा घंटा टाइम दिए थे और स्पेसिफिक बोले थे कि आप इस सेगमेंट में जरूर ध्यान दीजिए केमिस्ट्री का, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, और वो चीज मैंने किया और उसका फायदा मिला सर, क्योंकि एक ही वाई का क्वेश्चन रिपीट हुआ सर रियल इंटरव्यू में। रियल इंटरव्यू माने आपका जो एक ही वाई का क्वेश्चन रिपीट किया हम उसका रियल इंटरव्यू में आपको बहुत सारी चीज क्वेश्चन हुई और आपने उसका फायदा उठाया। अब थोड़े से हम जरा रियल इंटरव्यू उसकी चर्चा करते हैं कि जब आप इंटर किए किसका बोर्ड था आपका? सर दीप्ति मैडम का बोर्ड। अच्छा, दीप्ति मैडम का बोर्ड था, तो बोर्ड में जब आप गए तो बोर्ड का अनुभव थोड़ा सा बताइए कि जब आप इंटर किए वो किस फेज में बैठे थे, क्या आपके ओर देख रहे थे या वहाँ बैठे थे, कैसे आपने ग्रीट किया, क्या किया, थोड़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए। सर ये तो बहुत एबनॉर्मल टाइम में हम लोग का इंटरव्यू हुआ, क्योंकि वो कोविड का टाइम चल रहा था, तो कम्प्लीटली सेटअप जो नॉर्मली हमारे दिमाग में रहता है पहले से कि सब एक जगह पे होंगे,
ऐसा बिल्कुल नहीं था सर, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, सारे इंटरव्यूअर चारों के चारों बैठे हुए थे, सबके सामने ग्लास का सीलिंग लगा हुआ था और उसमें होल्स थे, थोड़ा सा अलग ही सेटअप था सर। तो नॉर्मली जो मन में रहता है कि इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा सेटअप होगा, वो पहले ही मुझे नहीं मिला, तो थोड़ा सा मैं असहज हुआ शुरू में। लेकिन मैडम इतनी ज्यादा कोऑपरेटिव थी, वो बोले कि आप आओ, आप बैठो, आप एकदम कूल हो जाओ पहले, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो इतना कंफर्टेबल किया जाना बहुत अलग माने रखता है सर। मैं एकदम ऐसा लग गया कि अब तो मैं बात कर सकता हूँ, अब बहुत आसान हो गया है, ऐसा मुझे फील होने लगा। मैंने गुस्से के साथ मैंने सबको ग्रीट किया और मुझे असहज होता देख मैडम ने काफी हेल्प किया मुझे। और उसके बाद चूंकि मैं जॉब लेजिस्लेटिव असेंबली में कर रहा था, तो कितना सवाल था, और फॉर्चुनेटली मैडम का भी शायद बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस रहा है, पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है पटना यूनिवर्सिटी में, तो दोनों का बैकग्राउंड मैच किया, मेरा जॉब का और उनके उनके टीचिंग का। तो पूरी पूरी की पूरी इंटरव्यू मेरी जॉब से रिलेटेड चली, केमिस्ट्री का एक सवाल नहीं पूछा गया, ना ही कोई दूसरा सवाल पूछा गया। इवन ये पूछे कि एमएलए की सैलरी क्या होती है, माननीय सदस्य का टीएडीए क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिहार जैसे गरीब देश गरीब राज्य में। तो इस टाइप का मोस्टली सवाल सर जॉब के इर्द गिर्द था मेरा। जब आपसे कोई कोई ऐसा सिचुएशन आया जहाँ लग रहा कि भाई बड़ा स्ट्रेसफुल हो रहा है और मैं यहाँ फंस रहा हूँ, तो उसको उसको ऐसा भी सिचुएशन कभी आया? हाँ सर, ऐसा था सर, जैसे जैसे ही मैं इंटर किया, सबसे पहला मैडम का सवाल था कि आप एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस का डीए मिलता है, टीए मिलता है माननीय सदस्य को, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। मुझे बिल्कुल याद नहीं था, आइडिया नहीं, तो मैं बोला कि सॉरी मैम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैडम ये भी पूछी कि आपको याद नहीं आ रहा है या आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं फिर तो सॉरी बोला कि मैं उस सेक्शन में काम किया हूँ मैम, लेकिन मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली कितना था, क्योंकि मैं उस सेक्शन में काम किया था तो मुझे मैं उनका बिल बनाया था, मुझे आइडिया था, लेकिन उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मैं सहज रूप से बोला और उन्होंने बहुत पोलाइटली एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं। नहीं, आपने ईमानदारी से बता दिया ना, क्योंकि जब आपने बिल बनाया होगा क्लरिकल पोजीशन में है तो पता तो होगा ही, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं पढ़ा नहीं तो गलत हो जाता है उसमें। ठीक है, बहुत अच्छा। एग्जैक्टली वो फिर वो हाइड करने वाली बात हो जाती है। बहुत अच्छा कौशलेंद्र, आपकी जो प्रतिभा दिख रही मुझे उम्मीद है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करके भी मेरे सामने आईएएस के इंटरव्यू क्वालिफाई करके टॉप रैंक लेकर मेरे सामने बैठेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं है। फिलहाल आपने जो सफर प्राप्त किया है, जो आपने सफलता लेकर के आज यहाँ पहुंचे हैं, ये मेरी उम्मीद है कि जितने भी ये लोग आपको वॉच कर रहे हैं उनके लिए इंस्पायरिंग होगा कि भाई एक गांव का बच्चा कैसे अपनी सिक्स क्लास में आकर के शहर में किया और कैसे उसकी मंजिल बनती गई। सब ये कल्पनाएं सब बच्चों के साथ होती है, आपके साथ भी रही, पर आपने धीरे धीरे अपने आप को बड़ा ही स्पेसिफिक कर लिया और आप यहाँ तक पहुंचे। आप कुछ खास मैसेज जो है लास्ट में देना चाहेंगे कुछ फ्यूचर और एस्पिरेंट्स के लिए, वो बोलिए। सर मेरा मानना है सर कि कभी भी हमें अपना बैकग्राउंड के तरफ सोच के ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं रहा, बचपन ठीक नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है सर कि अपने माँ बाप के द्वारा दिया गया बचपन से सुनहरा बचपन कोई हो ही नहीं सकता। तो उस पर कभी डाउट करनी नहीं चाहिए किसी को भी नहीं, क्योंकि उससे बेस्ट बचपन नहीं हो सकता है कभी। और दूसरी बात यह सर कि कभी भी अपने अंदर ये नहीं लाना चाहिए कि मेरे से होगा या नहीं, एक बार अगर आपने ठान लिया तो बिल्कुल होगा। आपको हो सकता है एक अटेम्प्ट लगे, दो अटेम्प्ट लगे, तीन अटेम्प्ट लगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसमें हैं तो सक्सेस मिलना ही मिलना है सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा, तो सब लोग जो है आपकी बात को नोट करें और उस बात को अपने साथ उतारने की कोशिश करें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा और अच्छा करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मच इस सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.